जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि तिब्बे यूनानी एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन रहा है जो हिंदुस्तान की तमाम तर आबादियों में कभी न कभी किसी शक्ल में उसने ज़रूर इलाज मुआलजे में अपनी शमूलियत रखी है, और इसकी फ़रोग के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए दूरदर्शन उर्दू एक इस तरह के प्रोग्राम को बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें हम यूनानी तिब के माहरीन से मुख्तलिफ मौजूआत पर, मुख्तलिफ विषयों पर बात करेंगे। आज इस सिलसिले में हमारी दावत पर प्रोफेसर अशर कदीर साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से दूरदर्शन की जानिब से अशर कदीर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। अशर कदीर साहब न एक माहिरे तिब हैं, बल्कि उनको तकरीबन 25 से 30 सालों का दर्स व तदरीस का तजर्बा है। बहुत सारी किताबें, तकरीबन 25 किताबों के वो एडिटर रहे हैं। तकरीबन 55 रिसर्च पेपर्स उनके नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। मैं दूरदर्शन उर्दू की तरफ से प्रोफेसर अशर कदीर साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। मैं भी आपका इस्तकबाल करता हूं कि आपने मुझे इस अहम प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। शुक्रिया प्रोफेसर अशर कदीर साहब के आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू इस पर शुरू करें कि आप बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन के उस्ताद हैं। आपसे मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आप ज़रा इस पर रोशनी डालें कि तिब्बे यूनानी हिंदुस्तान में कैसे आती है और यहाँ पर उसका इवोल्यूशन और डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है और वो क्या क्या रास्ते तय करती हुई हिंदुस्तान में आती है। देखिए, इसका ये जवाब है कि पहले तो ये देखें कि ये तिब्बे यूनानी जो है ये एक तरीक़े का फ़न है, नॉलेज है, और ये इंसान के वजूद से इसी तरीके से जुड़ा हुआ है कि जैसे उसकी ताल्लुक़ से, जैसे उसकी हाव हवा है, ग़िज़ा है, तो इसी तरीके से इंसान के साथ मरज़ भी जुड़ा हुआ है, सेहत भी जुड़ी हुई है। तो ये इंतहाई कदीम फ़नून में से एक फ़न है। अब ये अलग बात है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो कहीं पर डेवलप होती है। जहाँ तक ग्रीक का ताल्लुक़ है तो वहाँ पर इसके बुनियादी नज़रियात या कवानीन वज़ा हुए, लेकिन हम देखते हैं कि अगर इसका ओरिजिन है तो वहाँ पर सरज़मीन यूनान से इसका हुआ था, और उसके अंदर जिन फ़िलासफ़र्स का जो उसके अंदर जो किरदार रहा है, उसके अंदर सुकरात भी है, अफलातून भी है, बुकरात भी है, अरस्तू भी है, और बुकरात ने जिस तरीके से इंसान के वजूद को और उसके असबाब को जो डिस्कस किया, तो वो एक सिस्टम खड़ा हुआ जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया बाद में, और ख़ास तौर से रोमन सिविलाइजेशन और फिर ईरानी सिविलाइजेशन के बाद ये स्प्रेड आउट हुआ। अब चूंकि उस ज़माने में और भी तिबे थीं, जैसे हम देखते हैं हिंदी तिब, आयुर्वेद का भी जिक्र मिलता है, चाइनीज़ मेडिसिन का जिक्र मिलता है, उसके बाद जो है मिस्री तिब का, बाबली तिब का, इसी तरीके से यूनानी तिब का, लेकिन मामलात ये हैं कि उसमें से कुछ तिबें जो हैं वो अब नहीं हमारे सामने हैं, और बहुत सी तिबें आज मौजूद हैं जिसमें आयुर्वेद है, यूनानी है और चाइनीज़ मेडिसिन है। उसकी वजह ये है कि ये जो तिबें हैं ये कुदरती कवानीन के ऊपर फ़िलासफ़ा ने जो है वो वज़ा की थी, और उसको आवाम ने एक्सेप्ट किया और उनसे फ़ायदा पहुँचाया। एक लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ कि तिब्बे यूनानी का बेसिक क्या है, तो वो ये है कि ये इंसान को नेचर की तरफ ले जाती है, नेचर की तरफ लौटाती है, और अच्छा। उसमें जो है इंसान जो है वो एक अपने आप को सुकून महसूस करता है, इंसान की तबीयत में एक सुकून आता है जी। अब उसके ताल्लुक़ से यहाँ हिंदुस्तान में जो आने का इसका तरीक़ा है वो कोई और नहीं है, बल्कि हर इल्म और हर चीज़ की जो बुनियादें हैं वो तीन हुआ करती हैं। नंबर एक, पहली बात तो ये है कि जो आलिम लोग होते हैं, चाहे वो तबीब हों या वैद हों या साइंटिस्ट हों, इल्म की तशनगी उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो उसी तरीके से जो तिब्बे यूनानी के माहरीन थे वो सरज़मीन हिंदुस्तान में आए, और यहाँ के भी माहरीन जो थे वो दूसरी जगह गए। पहला तो तरीका ये था कि इल्म का एक दूसरे के ताल्लुक से आना और डिस्कशन करना, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के तरीके से, वो पहला था। दूसरी बात ये थी तिजारत, ज़िंदगी का बहुत अहम शोबा है, लिहाजा हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से एक तिजारत का मरकज़ रहा है, और इसी तरीके से जो दूसरी
गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, तो पहले की जो अशिया में खाने पीने की चीज़ों में जो तिजारत थी तो उसमें दवाएं और जड़ी बूटियां भी उसमें शामिल थीं। तो ये बड़ी कदीम ज़माने से हमें मिलता है कि हिंदुस्तानी दवाएं जो हैं बाहर इस्तेमाल हुई और वहाँ पर पैदा होने वाली दवाएँ हिंदुस्तान में इस्तेमाल हुई, और उस तरीके से जो है वो तिब्बे यूनानी के कुछ यहाँ पर असरात पहले आए। तीसरा सबसे बड़ा वजह फिर यही कि आपको पता है कि पॉलिटिकल, जाहिर सी बातें पॉलिटिकल चीज़ों में भी ऐसी होते हैं कि हुकूमत साजियां होती हैं, एक दूसरे दूसरी जगह लोग आते हैं जाते हैं, अपनी हुकूमतें कायम करते हैं। तो उस ज़माने में भी चाहे वो बादशाह हो, आवाम हो या खवास हो, सेहत व मर्ज़ का मसला हर किसी के साथ दरकार रहा, तो उन्होंने अपने साथ इंतहाई अपने वक्त के मुक्तदर और बहुत ही ख़ास तबीब रखे और उनके साथ वो हिजरत करके इधर से उधर गए। और यहाँ पर जब वो आए तो यहाँ के जो आवाम हैं या कहीं का भी जो आवाम है, मैं आपको बताऊं, उसकी ज़बान बदल सकती है, उसका लिबास बदल सकता है, उसकी ग़िज़ा बदल सकती है, लेकिन जो उसकी बेसिक नीड है, जो उसके लिए बेहतर तरीक़ा है, उसमें वो कभी किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता और वो हर अच्छी चीज़ को कबूल करना चाहता है। बिल्कुल। लिहाजा यहाँ के आवाम ने भी इसके अंदर अपनी फलाह देखी। एक बात और बताऊँ मैं आपको कि न सिर्फ आवाम की इसके अंदर फलाह मिली, उनको सेहत मिली, बल्कि अतिब्बा ने भी इस बात का ख्याल रखा, जो हिंदी आवाम है उनके मिजाज के हिसाब से उन्होंने अपनी दवाओं को ढाला और यहाँ पर जो है अपने मतब कायम किए और उनको सक्सेस मिली। और देखिए आप 12वीं सदी ईस्वी से लेकर अब तक का एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन मिलता है हमें, तो कम से कम 700-900 साल हो गए हैं और अपने मुख्तलिफ रंगों में यहाँ तिब्बे यूनानी नज़र आती है और अभी भी कामयाबी के साथ चल रही है। एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा होता है कि जब तिब्बे यूनानी हिंदुस्तान में आती है तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क की आबो हवा, हमारे मुल्क के बाशिंदों के रहन सहन और उनकी ग़िज़ा, डाइट्स और उनके आर्ट ऑफ हीलिंग या ट्रीटमेंट के भी असरात हुए। जी, तो आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं क्या कि क्या तिब्बे यूनानी पर आयुर्वेदिक साइंस या वैदिक साइंस का भी कोई असर हुआ, प्रभाव पड़ा? जी, मैं ये देखिए इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया और मैं अभी भी ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक आम आदमी की नज़र में ये दो पेथियाँ हो सकती हैं। जहाँ तक हम देखते हैं, जैसे एक ज़बान के ताल्लुक़ से समझते हैं कि भाई आयुर्वेदा है, मिसाल के तौर पर चटनी कह दिया तो आयुर्वेदा है, लौक कह दिया तो यूनानी है, ये आवामी सतह पर है। लेकिन जब हम इसकी तारीख़ हिंदुस्तान में देखते हैं तो इल्मी एतबार से जो अतिब्बा और वैद और साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट ने उस ज़माने में एक दूसरे से जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज किया है वो इतना ब्यूटीफुल है कि अपने बेसिक्स को इंटैक्ट रखते हुए, वो जैसे साइंटिफिक बेसिक्स होते हैं, स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, माहौल है, वो तो कहीं बदलेगा नहीं, लेकिन जो इसको बढ़ता है जिस तरीके से हिंदुस्तान में आने के बाद और यहाँ की आबो हवा के ताल्लुक से, यही इसकी ब्यूटी है तिब्बे यूनानी की कि जहाँ जहाँ पर ये जाती है वहाँ के माहौल के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। जैसे दवा का मामला लिखा है, आप बताइए, मैं एक बार बताऊँ, आप भी इसके माहिर हैं, कि अगर हम ये कहें कि ये दवा गर्म है या सर्द है तो वहाँ पर तो ये इतना पता है तबीब को कि जिस्म पर किसी दवा का क्या असर है, लेकिन जब वो किसी खत्ते में जाता है वहाँ पर जो दवा मिलती है उसको भी खुद तलाश करना पड़ता है कि मैं अब इसके लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करूँ। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सी ममालिक की अदविया हमारे फार्माकोपिया में मौजूद हैं, जैसे हम देखते हैं तमर हिंदी यहाँ पर रखा, जटामासी यहाँ पर रखा, अश्वगंधा यहाँ पर रखा। मैं ये बताइए कि ग़िज़ाओं के अलावा दवाओं के नुस्खों में भी बड़ा मुश्किल है इस बात को सॉर्ट आउट करना कि कौन सी दवा कहाँ की है, और ये हो भी नहीं सकती, क्योंकि देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये पहला एपिसोड है, मुझे मौका मिला है। देखिए तहजीब हो सकती है रीजन में, तहजीब को हम आइडेंटिकल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक तमद्दुन होता है और जहाँ तक फिजिकल और साइंटिफिक विजन्स होते हैं वो किसी के पर्सनल नहीं होते, नॉलेज है। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि यूनानी मेडिसिन का आप देखिए एक इर्तका है, और अबू तिब बुकरात से लेकर अब तक अगर आप मॉडर्न साइंटिस्ट में भी चले जाएँ तो अभी आज के दिन भी अगर आप गूगल को क्लिक करते हैं तो फादर ऑफ मेडिसिन बुकरात को माना जाता है। बिल्कुल सही बात। उसके नज़रियात को माना जाता है। फादर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी गैलन को माना जाता है। एरिस्टोटल को माना जाता है। इब्न सीना को तिब का जो इमाम माना जाता है वो इस वजह से माना जाता है कि उसने जो एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ तिब लिखा, देखिए वहाँ यूनानी का लफ्ज़ नहीं है, अल कानून फित तिब, वहाँ ये नहीं है कि अलकानून यूनानी, नो, उसको समझता था, वो जानता था कि तहजीब अलग हो सकती है लेकिन जो हमारी नॉलेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की फलाह के ताल्लुक से वो अवामी है, वो आफाकी है। लिहाजा अलकानून फितिब को देखिए कि जितनी ज़बानों में मैं समझता हूँ किसी दीनी किताब का अगर तर्जुमा नहीं हुआ होगा जितना अलकानून फितिब का हुआ मुख्तलिफ ज़बानों। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अलकानून फितिब का तकरीबन मीन्स अलकानन ऑफ मेडिसिन का तकरीबन 32 ज़बानों में
ترجمہ ہو چکا ہے یہ این 15ویں صدی تک وہ شاید دنیا میں میڈیسن کے اعتبار سے پڑھی جانے والی سب سے زیادہ مشہور و معروف اور مقبول کتاب ہوا کرتی تھی۔ ایک بات اور اسی سے ایک سوال ذہن میں آیا، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ طب یونانی کے ہندوستان میں آمد کے بعد ظاہر ہے کہ انگریزوں کی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو ہماری ویکلپک چکتسا ویوستھائیں ہیں، جیسے روایتی علاج ہیں آیورویدا یونانی، ظاہر ہے کہ ان کو وہ ڈسکرمنیشن کرنا چاہتے تھے اور ان کو بینش آف کرنا چاہتے تھے۔ اسی زمانے میں مسیح الملک، جن کی ابھی 11 فروری کو یوم پیدائش ہوتی ہے، جنہوں نے انگریزوں کو بھی یہ کنونس کرنے میں کامیابی حاصل کی کہ آپ کے میڈیکل سائنسز کا وجود ہو سکتا ہے لیکن ہمارے آیورویدا اور یونانی سسٹم آف میڈیسن کا ہندوستانی عوام پہ بہت زیادہ اثر ہے، تو انہوں نے آیورویدا یونانی طبیہ کالج کروڑ باغ میں ایک کالج قائم کیا جو لارڈ ہارڈنگ کے ذریعے، جس کا انوگریشن ہوا اور اس کو انوگریٹ مہاتما گاندھی جی نے کیا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ طب یونانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عوام ہند یا ہندوستان میں صحت یا تحفظ صحت کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹول ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن آپ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج جتنا وقار اس سسٹم کو ملنا چاہیے تھا وہ کہیں نہ کہیں مس کر رہا ہے؟ بالکل مس کر رہا ہے۔ دیکھیے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہوتا کیا ہے، اس کو جب ہم نے لمیٹیشنز دے دیا طب یونانی کے نام سے یا کسی زبان کے نام سے یا کسی اور میں ہم نے اس پہ کسٹمز لگا دیے، تو ہم نے اس کو لمیٹیشن کر دیا، جبکہ یہ لمیٹیشن کی چیز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم صرف اتنا ہی دیکھیں کہ بھائی یونانی دواؤں تک ہم نے لمیٹیشن کر دیا، اس کا جو پورا ایک کنسیپٹ ہے کہ انسان کو پورے وجود کی طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے، ماحولیات کو صحیح طریقے سے رکھنا ہوتا ہے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب 2000 میں آپ ڈبلیو ایچ او کی ڈیفینیشن جب دیکھیں گے، جب 2000 تک گول آف ہیلتھ نہیں پورا ہوا، تو وہ کیوں پورا نہیں ہوا؟ اس کی وجہ کہیں اور سسٹم میں نہیں ملتی، انہی سسٹمس میں ملتی ہے۔ یہ میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ جو ہے وہ مینٹل، فزیکل اور سوشل ویل بینگ کا نام ہے سپوز جی، تو وہ تو اس کو برتنے سے ہی ملے گی۔ لیکن اب معاملات یہ ہیں کہ ہم نے یونانی کو یا آیورویدا کو اتنا آئیڈینٹیکل کر دیا کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب جڑی بوٹیوں کا نام یونانی ہے یا خمیر معجون کا نام یونانی ہے، ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی اس میں کس، اس پیتھی میں کون کون سی دوائیں ایسی ہیں جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، یا کون سی دوائیں ایسی ہیں جس کو ہم روایتی طور سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو چونکہ اس کے اوپر ابھی تک ہم نے ایک طریقے سے اس کو روایتی طور پر لیا ہے اور اس کا سائنٹیفک اورینٹیشن ڈیولپمنٹ کر کے وہاں تک عوام تک پہنچانے میں ہم ناکام رہے ہیں۔ عوام تو کوشش کر رہا ہے جڑنے کی، عوام کو نہیں معلوم کیا چیز ہے، عوام تو لیتا ہے، اس کو تو جہاں پر بھی اچھی چیز ملتی ہے ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن ہمارا ہی یہ چیز رہی ہے کہ ہم نے یونانی کو یا کسی کو اتنے لمیٹیشنس میں رکھ دیا ہے، اتنا آئیڈینٹیکل کر دیا ہے کہ وہ ایک یونیورسل چیز سے لے کے پرسنل ہو گئی ہے۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین بھی ضرور جاننا چاہیں گے، چونکہ طب محض ایک فن نہیں ہے بلکہ میڈیسن ایک سائنس بھی ہے، اور سائنس کو کہیں قید نہیں کیا جا سکتا، اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ تحقیق یا ریسرچز کی گنجائش ہوتی ہے۔ میں آپ سے مختصراً یا سنکشیپ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ذرا سا آپ طب یونانی کے جو بیسک بنیادی اصول ہیں اس سے ہمارے ناظرین کو واقف کرائیں۔ طب کے اصول یہ ہیں کہ انسان کو طب یونانی میں طب یا فلاسفہ نے انسانی جسم کو محض ایک جسم نہیں سمجھا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ صرف اناٹمی ہے یا فزیولوجی ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن یہاں پر جب بحث ہوتی ہے تو وجود انسان سے پوری بحث ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے ارسطو کا فلسفہ اسباب وجود پورا کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بتائیں بالکل ایک منٹ میں کہ ایک تو جسم ہے، وہ ٹیکنیکل چیز ہے، اس کا مزاج ہے جی، اس کی قوتیں ہیں اور اس کا فیل ہے۔ یہاں تک تو ہم میڈیکل سائنس کی گرفت میں آ گئے جو کہ سب جگہ ہے، سب جگہ ایک سا ہے، لیکن اس کے بعد جو اہم چیز ہے جو یونانی کو ممتاز کرتی ہے یا اس سسٹم کو یونیورسل بناتی ہے یا فار ایور کے لیے بناتی ہے اور ہر جگہ کے لیے بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان کا جو جسم ہے اس کا جو انٹریکشن
अपने माहौल से होता है और उसके मतलब असबाब से होता है, नेचर से, नेचर से होता है। सराउंडिंग से। जी जी मैं अभी इसमें बता रहा हूँ जी। उससे उसमें फिर दो तरीके के फैक्टर आते हैं, एक तो आते हैं असेंशियल यानी ज़रूरी और एक गैर ज़रूरी। तो जो ज़रूरी फैक्टर्स हैं उस वो हमारा खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, समझना है, ये असेंशियल फैक्टर हैं, इससे कोई भी नहीं आदमी जो है बच नहीं सकता। लेकिन जो एक जो चीज़ हमने छोड़ी हुई है, जो यूनानी का एक एक खासा था, ये बताया गया है कि जो इसके अलावा जो गैर ज़रूरी फैक्टर हैं वो हम असल में गैर ज़रूरी लफ्ज़ की वजह से अतिब्बा ने या आज के अतिब्बा ने उसको ज़्यादा इग्नोर कर दिया। गैर ज़रूरी का मतलब गौर नहीं किया। गैर ज़रूरी का मतलब ये नहीं था ये गैर ज़रूरी है, ज़रूरी के मुकाबले में गैर ज़रूरी। और वो फैक्टर वो हैं कि जो इंसान अपनी बूढ़ी ज़िंदगी में जिस चीज़ को बरतता है, वो कौन से फैक्टर हैं? इंसान कहाँ पैदा होता है, किस माशरे में जीता है, किस उसका जो माहौल है, जैसे मिसाल के तौर पर इकोनॉमिकल क्या कंडीशंस हैं, नाखानदगी के ताल्लुक से, तालीम याफ्ता के ताल्लुक से, सोशल कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं। आपको ये जान के हैरत होगी कि इसके अंदर हम एक यूनिवर्सल क्लास नहीं बना सकते। जैसे एक ओपीडी में आ गया और वो डॉक्टर साहब बैठे हुए देख रहे हैं उसको, उन्होंने पैरासीटामोल दे दी या पेन किलर दे दिया या जो है वो उन्होंने एक जो है नींद की गोली दे दी, यही हो रहा है ना, या सर्जरिकल ऑपरेशन कर दिए। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ तक जो हमारी तरकीब है वो तो सब यूनानी बताती है। देखिए यूनानी बताती है तरीके इलाज कितने हैं। तो यूनानी में हमने पांच तरीके इलाज हैं, जिसको पहला तरीका हमने छोड़ दिया। पहला तरीका ये है कि इलाज बिन नसीहा, ये बिल्कुल एक नई चीज़ बता रहा हूँ लेकिन किताबों में है। इलाज बिन नसीहा का मतलब काउंसलिंग, इलाज बिल तदबीर फिजियोथेरापी, इलाज बिल गिज़ा डाइटोथेरापी, इलाज बिल दवा फार्मेकोथेरापी और इलाज बिल यद यानी सर्जरी। हमारा इस वक्त का अलमिया ये है कि हमने सबसे ज़्यादा ऊपर जो रख दिया वो दवा को रख दिया, यानी हर इलाज दवा से होगा। जबकि यूनानी का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि जो इंसान है उसके अंदर एक हीलिंग पावर मौजूद है जिसको हम तबीयत कहते हैं। वो तबीयत इंसान की नेचुरल लॉस पर मबनी है और जितना नेचुरल तरीका होगा उससे वो खुश रहती है। मैं आम लफ्जों में कह रहा हूँ खुश रहती है। खुश रहने का मकसद ये है कि बदन ये नहीं चाहता कि मैं आपको टच करूँ, ठीक है? बिल्कुल। और तबीब का क्या फ़र्ज़ है? एक क्लासिफिकेशन ये भी बताती है, तबीब की गाइडलाइन है कि तुम हीलर नहीं हो, यू आर नॉट द फिजिशियन, तुम तबीयत के खादिम हो। तबीयत इज द ट्रू हीलर, मैनेजर ऑफ द तबीयत। तबीयत वो मैनेजर है, आपको उसकी सपोर्ट करनी है। बिल्कुल। अगर तबीयत ज़ईफ़ हो जाती है तो आपको उसी के रूल्स पर तबीयत करनी है। अब तबीयत क्या चाहती है? तबीब को ये चाहिए कि उसमें कहाँ जहाँ तक भी हो सकता है इंसान को काउंसलिंग करे पहले, और फिर उसके बाद उसकी डाइट मैनेजमेंट करे, उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी की तरफ बाद में आए, आखिर में दवा आए। और दवा का भी मामला डॉक्टर साहब आप भी, मैं समझता हूँ, मैं आपको पहले से जानता हूँ कि दवा के ताल्लुक से आपका मैदान है जी जी, लेकिन जो यूनानी की दवा की खासियत है वो क्या है, वो अब आपको बताना चाहिए। सो बॉडी असल में नेचुरली जो चीज़ें हम अंदर दाखिल कर रहे हैं उसको मैनिपुलेट करती है अपने हिसाब से सो देट कि हम सबसे फिटेस्ट रह जाएं। जी जी जी। सो आज़ाद हिंदुस्तान में जाहिर है कि तिब यूनानी को जब एक सिस्टमाइज किया गया, तो अब मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप, अनुरोध है आपसे कि आप ये बताइए कि इसको हिंदुस्तान में जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा गया संस्थानों में, या भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने, रियासती हुकूमतों ने किस तरह से तिब यूनानी के फ़रोग के लिए, उसके उद्भव और विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं या क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती